नमस्कार साथियों, सभी का BSR स्टडी पॉइंट के YouTube चैनल पर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ PTT 2024 को लेकर जो अब ऑफिशियल बातें सामने आ रही है उनके बारे में आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले ये बात सुन लीजिए, मैंने आपको कहा था 4 या 5 दिन पहले एक वीडियो है तो उसके अंदर मैंने ये बोला था कि आपकी PTT की जो काउंसलिंग की डेट है वो बढ़ेगी, और काउंसलिंग की डेट बढ़ गई, ठीक है। और अलॉटमेंट है आपका 17 तारीख को होना था, अब वो कब होगा? 19 तारीख होगा, ठीक है। और भी आगे देखो डेट बढ़ सकती है, क्या बात करेंगे। और PTT के बारे में अब क्या कुछ नया नोटिफिकेशन मिल सकता है, क्या कुछ नया नोटिफिकेशन आ सकता है, वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, विद्यार्थी के नाम में अगर कोई आसिंग त्रुटि है तो वो भाई संभव है उनको त्रुटि को सुधार करना। वो 16 तारीख को लास्ट डेट थी, वो आपकी चली गई है, आपने कर लिया हुआ, ठीक है। ये देखिए, 2 ईयर की बात करूँ, 4 ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर 7 में काम होने वाला है पूरा का पूरा। वही जैसे आपको मैं बता दूँ डेट ऑफ 2 ईयर, एक बार क्लिक करते हैं, 2 ईयर पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो आप कि आपका यहाँ पर रीप्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म यानी फॉर्म आप ले सकते हो। रिजल्ट PTT 2024 देखो, रीप्रिंट पेमेंट इन्वॉइस यानी आपने जब काउंसलिंग करवाई तो आप उनका फॉर्म है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कॉलेज लिस्ट है ये देख लो, रीप्रिंट कॉलेज चॉइस यानी रीप्रिंट कॉलेज चॉइस यानी आप फिर से एक बार रीप्रिंट कॉलेज चॉइस को बदल सकते हो। ये देख लो डेट ऑफ पे, अब बात करें 5000 का जो चालान था आपके 12 तारीख तक था, ठीक है, और कॉलेज चॉइस फिलिंग आपकी 14 तारीख तक थी, हो गई करेक्शन फॉरम के अंदर, वो आपका 16 तारीख तक हो गया। अलॉटमेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग, आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो आपकी पहली लिस्ट आएगी 19 तारीख को, 19 जुलाई को आएगी। कब आएगी? क्योंकि जब भी आएगी मैं आपके साथ क्या आ जाऊँगा, लाइव आ जाऊँगा। लेकिन याद रखना, मैं 2 बजे से पहले लाइव नहीं आ पाऊँगा, रिजल्ट भी आपका शाम तक जारी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिशन और आपकी लिस्ट जारी होने के बाद के अंदर आपको जो 22000 की फीस जमा करवानी है वो आप 25 तारीख तक करवानी पड़ेगी आपको, 19 से लेकर 25 तक, ठीक है। और रिपोर्टिंग इन कॉलेज आफ्टर, वो आपको 19 तारीख, ठीक है, कब करवानी पड़ेगी, 19 तारीख को करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो आगे, 19 तारीख को आपको क्या करवानी पड़ेगी, 19 से लेकर 26 तक आप काउंसलिंग कर सकते हैं आफ्टर काउंसलिंग, कहाँ पर, कॉलेज के अंदर ऑफलाइन जाकर जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करवानी पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाद के अंदर आप एक बार देख लो ये अप्लाई फॉर अपर्ड मूवमेंट, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है ना, कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो आप अपर्ड मूवमेंट 26 तारीख तक लगा सकते हो, लेकिन उनसे पहले जो आपको कॉलेज पहले मिल गई है, जो आपको पहले कॉलेज मिल गई है ना, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। उनके बाद क्या होगा, रिपोर्टिंग यानी आपको आफ्टर अपर्ड मूवमेंट के बाद आपको 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 29 से 30 तारीख तक आपकी वापस जो कॉलेज दोबारा मिल गई उसके अंदर रिपोर्टिंग करवानी अति आवश्यक है, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई, क्या कुछ है अभी शेड्यूल को लेकर जारी जो चीज़ चल रही है। इसके अलावा जो भी अन्य तथ्य है उनके बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ। देखो, आपका 5000 का एक चालान लगा, ठीक है, प्लस अब आपका कॉलेज मिलने के बाद 22000 का चालान लगेगा, कुल मिलाकर कितना हो गया, 27000 हो गया, ठीक है, 27000 हो गया। ये 27000 आपके पहले साल की फीस जमा हो गई। अब अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करवाते हो, पहली कॉलेज मिल गई मान ली 7 नंबर, अपवर्ड मूवमेंट के अंदर मिली 4 नंबर, तो आपको फीस वगैरह का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, वो अपने आप जमा हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना, पहली कॉलेज मिली उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, अपवर्ड लगाना, अपवर्ड लगाने के बाद जो कॉलेज वापस मिलेगी उसके अंदर वही डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, उस कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल नहीं देने, अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट करवाना है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं। एक बार राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी, ये हो गई बात अपवर्ड मूवमेंट को लेकर, ये बात मैंने किसकी की, अपवर्ड मूवमेंट को लेकर। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑल राजस्थान कर दिया है, मुझे डर है कि ऑल राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल जाए। देखिए, अगर आपके नंबर मान लो 340 किसी विद्यार्थी के नंबर आ रहे हैं, उन्होंने मानो ऑल राजस्थान किया तो ऑल राजस्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, नंबर अच्छे हैं तो उनको क्या, जो कॉलेज उन्होंने भरी है ना, जैसे उन्होंने लगाई है 10 कॉलेज, 12 कॉलेज या फिर 15 कॉलेज, जितनी भी लगाई है, उन्हीं कॉलेज के आधार पर क्या मिल जाएगा, उन्हीं कॉलेज के आधार पर उनको कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। शानदार ये चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अब आगे देखो कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, सबसे पहले आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, मैंने बोला 6 महीने वाला। देखिए, मैं आपकी जो स्कॉलरशिप आती है इसके लिए ये वैध है, ठीक है ना। एक आपका EWS भी कहते हैं कि लगभग आपका इसके अंदर 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, तो अगर 3 साल पुराना आपका EWS है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शपथ पत्र लगा सकते हैं,
शपथ पत्र लगा सकते हैं। जिसके पास भी सब 3 साल पुराना AWSR उनके नया नहीं बना है तो शपथ पत्र मेरे पास है, मैं व्हाट्सएप मैसेज करो, इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं शपथ पत्र भी आपको दे दूंगा। 78 52 35 39 इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको शपथ पत्र है जो आराम से दे दूंगा, उसको आपको भरकर और इस EWS के पीछे वो लगाना है। अब मैं बात करूँ आपकी, अब डेट बढ़ेगी क्या? बिल्कुल दोस्तों, अब डेट है आपकी 4 या 5 दिनों की बढ़ोतरी डेट के अंदर और हो सकती है, ठीक है काउंसलिंग। क्यों हो सकती है? क्योंकि अभी तक आपके BA का रिजल्ट है, फाइनल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो सभी को काउंसलिंग करवाएगी। आप ऐसा मत कहो कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, मैं वंचित नहीं रहूँगा। बिल्कुल आप वंचित नहीं रह पाओगे, क्योंकि सरकार ये कभी नहीं चाहेगी, या फिर PTT इस ये बार कभी नहीं बात चाहेगी कि आप हमारा का हो 27,000 का नुकसान हो, तो वो वेट जरूर करेगी। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, रेगुलर क्लासेज है आपकी, जो रेगुलर क्लासेज है ऐसे मानो आपके अगस्त लगभग सितंबर के अंदर आपकी रेगुलर क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बात होगी क्लासेज को लेकर। अब सबसे बड़ा जो डाउट आता है कि सर मानो कॉलेज दूर मिल जाए, हमने अपवर्ड मूवमेंट लगाया, अगर कॉलेज फिर भी हमें नज़दीक नहीं मिले तो क्या करें? देखिए ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कॉलेज अच्छी है तो आप रेगुलर जाइए। रेगुलर का मतलब वहाँ रूम लेकर रहिए, लेकिन इसके साथ में अगर आप कोई तैयारी वगैरह करते हो तो बात कीजिए, आप वहाँ रह सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अगर आपको नहीं जाना है, बोलते हैं कि मुझे तैयारी करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कम पैसों के अंदर डोनेशन कर सकते हो। डोनेशन कितना होता है? देखो डोनेशन है वो कॉलेज के आधार पर होता है, भाई कॉलेज वाले जितना चाहते हो उतना डोनेशन लेते हैं। जैसे 5 या 10 हज़ार से लेकर आपका यहाँ पर 55,000 एक साल का, एक वर्ष का भी डोनेशन चलता है। राजस्थान के अंदर ऐसी भी बहुत घटिया कॉलेज है जहाँ पर 50-40,000 डोनेशन लेते हैं, ठीक है, और 5-4 हज़ार तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा आपसे BEd के अंदर लूट कोस है बहुत ज़्यादा होगी आपके। देखो जैसे मैं, आप कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर ये क्या बात करें, बिल्कुल जो बात वैलिड है ना मैं वही कह रहा हूँ। लूट कोस चलेगी, जैसे कि आपको 5,000-6,000 रुपये तो वो सिर्फ किट किट के लेंगे, 4,000-5,000-3,000 किट में क्या होगा, एक कपड़ा और एक बैग, बस दो ही चीज़ होगी, किट का नाम ले लेंगे। तो ये चीज़ देखो ऐसा है कि ये दुकानें हैं, लेकिन क्या करें, PTT 2024 या फिर BEd हमें जिस प्रकार करनी होगी वो उसी आधार से करनी ज़रूरी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर रहकर कॉलेज करें तो अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा माहौल आपका, शानदार क्रिएटिविटी आपको बढ़ेगी, नए शहर में देखने की अलग अलग जगह है, नए शहरों में घूमने के मतलब अच्छे इस प्रकार 2 साल का अच्छा माहौल हो सकता है। क्योंकि देखो एजुकेशन है वो चलता रहेगा, लेकिन नए नए शहरों की नई नई जगहों की जानकारी होना, बाहर रहना अत्यावश्यक हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मेट अभी PTT 2024 को रिलेटेड चल रहा है। मैं 2 या 3 दिन हो गए वीडियो नहीं आया, क्योंकि मेरी खुद की BEd के सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, और इसी कारण मैंने समय निकाल कर आपके साथ ये वीडियो प्रस्तुत किया है। जितना उसकी वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें, और व्हाट्सअप के अंदर व्हाट्सअप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अंदर दिया, ज्वाइन कर लो। और जो 78 52 83 35 39 से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम साथियों।